नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। टीवी अभिनेत्री संजीदा शेख ने अपने पति आमिर अली के रिश्तों को लेकर तोड़ी चुप्पी। संजीदा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैसेज लिखा, मैं अपनी प्राइवेसी और पर्सनल लाइफ को तवज्जो देती हूं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि दोनों के मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि संजीदा और आमिर के रिश्तों में दरार आ गई है। खबर के मुताबिक जब संजीदा लंदन से शूट कर वापस लौटी तो वह सीधा अपने माँ के घर चली गई थी और वह दोनों बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन संजीदा की इंस्टा स्टोरी के मुताबिक कुछ तो बात हुई है। वही आमिर अली ने इस खबर को नकारते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। आपको बता दें, संजीदा शेख और आमिर अली की एक 4 महीने की बेटी है। उनकी बेटी सैरोगेसी के जरिए हुई है। जाहिर है, इस बात को कपल ने छुपा कर रखा था, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। वही कुछ लोग इसको अफवाह भी बता रहे थे। टीवी अभिनेत्री करिश्मा तन्ना को लगातार सुर्खियों में बने रहना आता है। इन दिनों अपने किसी सीरियल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हालिया तस्वीरों की वजह से चर्चाओं का विषय बने हुई हैं। मशहूर सीरीज नागिन में 3rd सीजन में लीड रोल में नजर आ चुकी टीवी अभिनेत्री अपनी बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालकर मस्ती करती भी नजर आ जाती हैं। हाल ही में करिश्मा ने अपनी चंद खूबसूरत तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीरों में करिश्मा खूबसूरत नजर आ रही हैं। अपनी इन तस्वीरों में करिश्मा पीले रंग की बिकनी में नजर आ रही हैं। करिश्मा की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। करिश्मा की ये तस्वीरें इतनी दिलकश थी कि मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाई। उन्होंने करिश्मा की इन तस्वीरों पर कमेंट किया, माय गॉड। करिश्मा कुछ दिनों पहले स्टार प्लस के मशहूर शो कयामत की राम में नजर आई थी। इंडियन आइडल 11 टीवी के सबसे बढ़िया और एंटरटेनिंग रियलिटी शोज में से एक है। ये शो अपने शानदार सिंगर और शो के दौरान होने वाली मस्ती की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ और होस्ट आदित्य नारायण साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। पिछले काफी दिनों से आदित्य नेहा को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य शो पर कई बार नेहा को अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। कभी वो नेहा के लिए रोमांटिक गाना गाते हैं तो कभी उन्हें बाहों में उठाकर रोमांटिक गाने पर डांस करते हैं। नेहा भी आदित्य के दीवानेपन से खुश होती हैं। अभी रविवार के एपिसोड में दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। नेहा कक्कड़ को आदित्य के माता पिता उदित नारायण और दीपा नारायण काफी पसंद करते हैं। दोनों ने नेहा को आशीर्वाद भी दिया। इतना ही नहीं, शो पर बाद में नेहा कक्कड़ के माँ बाप भी रिश्ता लेकर पहुंच गए। नेहा के माँ बाप ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तो वह रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। इस बीच आदित्य ने नेहा संग शादी की डेट का ऐलान भी करते हुए बताया कि 14 फरवरी 2020 में हम दोनों शादी कर रहे हैं। शो पर सभी की खुशी देखने लायक थी। हालांकि बाद में ये खुलासा हुआ कि ये सब शो में महज रोमांच लाने के लिए एक प्लान किया गया था। बता दें कि इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण और जज नेहा कक्कड़ अच्छे दोस्त हैं। दोनों की मस्ती अक्सर छोटे पर्दे पर देखी जाती है। दोनों की कहानी को रोमांटिक ट्विस्ट शो के और मजेदार बनाने के लिए दिया गया था। बिग बॉस में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। बीते वीकेंड के वार में जलन शब्द की चिंगारी ऐसी भड़की कि शहनाज गिल ओवर ड्रामेटिक हो गई। उन्होंने सलमान खान से बदतमीजी तक कर डाली। बिग बॉस में सलमान खान ने एक टास्क कराया था, जिसमें मायरा शर्मा और शहनाज गिल में से कौन एक दूसरे से जलता है, इसके लिए वोटिंग होनी थी। टास्क के दौरान रश्मि देसाई ने शहनाज गिल को पॉइंट दिया था। साथ में ये भी कहा था कि शहनाज जेलस नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी जड़ सिद्धार्थ शुक्ला है। रश्मि का इस बात से सिद्धार्थ का नाम लेना घरवालों समेत सलमान खान को भी हैरान कर गया। अपनी बात को खत्म करते हुए रश्मि ने कहा, जो अटेंशन शहनाज को शुक्ला से चाहिए वो उसे नहीं मिलती। सिद्धार्थ मायरा को मनाता है लेकिन शहनाज को नहीं, ये शुक्ला को समझना चाहिए। रश्मि देसाई के इस एक्शन पर उनकी खास दोस्त देवोलीना भट्टाचार्य जी का रिएक्शन सामने आया है। देवोलीना ने ट्वीट पर रश्मि पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, रश्मि देसाई के साथ क्या गलत है, सिद्धार्थ ने सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाया है तो वह शहनाज। शहनाज गिल पॉजेसिव है। दूसरे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये ट्वीट देवोलीना ने किसके लिए लिखा है ये साफ नहीं हो पाया है। शहनाज गिल के ड्रामे पर भी ये ट्वीट हो सकता है। बता दें, बिग बॉस हाउस में शहनाज गिल के मेलो ड्रामा से होस्ट सलमान खान भी इरिटेट कर दिया है। सलमान खान ने बिग बॉस हाउस में आकर भी शहनाज से बात नहीं की, वह शहनाज की बदतमीजी से नाराज दिखे। पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अस्मित पटेल और महक चहल ने सगाई तोड़ दी है। अस्मित और महक पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों के रिश्ते के बीच चल रही कड़वाहट के चलते दोनों ने सगाई तोड़ने का फैसला किया है। दोनों के रिश्ते की शुरुआत भी बिग बॉस के घर में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल पहले दोनों डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन रिश्ते के तालमेल नहीं बैठने के कारण शादी की तारीख को बदलकर आगे कर दिया गया था। टीवी शो में काम कर चुके अस्मित ने महक को स्पेन में शादी के लिए प्रपोज किया था और एक्ट्रेस ने भी इसके लिए तुरंत हाँ कह दिया था, लेकिन बाद में दोनों के कई बातों को लेकर कई कड़वाहट के बाद दोनों ने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया है। बता दें कि अस्मित एक्ट्रेस रिया सेन को अश्लील मैसेज भेजने पर विवादों में रह चुके हैं। वही एक्ट्रेस महक चहल सलमान खान के साथ वॉन्टेड में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म में मैं और मिसेस खन्ना में भी काम किया है। ये थी टीवी जगत से जुड़ी अहम 5 खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदी रश।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।